का टैक्स फ्री होना तो हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं कि ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई या किसी राज्य के सीएम ने फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी कड़ी में सबसे ज्यादा फिल्म फ्री करने वाला खिताब किस राज्य के सीएम के नाम है? तो चलिए आज आपको इस वीडियो में उस सीएम के नाम के बारे में बताए चलते हैं। फिल्मों को टैक्स फ्री करने में सबसे अधिक मेहरबान अखिलेश यादव रहे हैं। उन्होंने करीब 2 दर्जन फिल्मों को टैक्स फ्री किया है। हालांकि उन पर आरोप भी लगे कि राजनीतिक कारणों से फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने टैक्स फ्री फिल्मों की लिस्ट मांगी थी, जिन्हें सपा सरकार के दौरान टैक्स फ्री किया गया था। जनवरी 2012 से 24 फरवरी 2016 के बीच उत्तर प्रदेश में इन फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया। जय हो डेमोक्रेसी, गट्टू, भाग मिल्खा भाग, 4 साहिबजादे, पीके, तेवर या रब, अमिताभ की भूतनाथ रिटर्न, मर्दानी, मैरी कॉम, कृष्णा और कंस, वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार, चक इंडस्टर, बाजीराव मस्तानी, हवाई बाज, इश्क के परिंदे, जानिसार, मसान, दृश्यम, हमारी अधूरी कहानी, टू लिटिल इंडियंस, डेढ़ इश्किया, जय हो, बजरंगी भाईजान, मिस तनकपुर हाजिर हूँ, मांझी द माउंटेन, एयरलिफ्ट और खड़ूस। इन सभी फिल्मों को अखिलेश यादव ने टैक्स फ्री किया था और इसी कारण सबसे ज्यादा टैक्स फ्री मूवी करने का खिताब भी अखिलेश यादव को जाता है। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।